डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जिसको हम हिंदी में लैंगिक विरूपता के नाम से भी जानते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसको हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक ही जाति के जीवों को उनके वह लक्षणों के आधार पर अगर हम यह डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि वह एनिमल मेल है या फीमेल है, तो इस प्रकार का जो विभेदीकरण होता है वो लैंगिक विरूपता कहलाता है। अर्थात एनिमल को हम उसके एक्सटर्नल एपियरेंस के आधार पर यह दर्शा पाएँ कि वो एनिमल नर है या मादा है, तो इसको हम लैंगिक विरूपता के नाम से जानते हैं। जो वह लक्षण जो हम कंसीडर करते हैं उसमें जीव की आकृति, आकार, वजन, रंग, चिन्ह आदि एवं व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। प्रायः इन लक्षणों को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसके हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको एनिमल किंगडम में मिलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ही कुछ पेक्यूलर बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं। जिसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिसको हम स्वर्ग का पक्षी भी कहते हैं। यह पक्षी जो है पापुआ न्यू गुनिया जो एक कंट्री है उसका एनिमल उसका नेशनल बर्ड है ये। देखिए इसमें अगर हम बर्ड ऑफ पैराडाइज की बात करें तो इसके जो मेल होते हैं, देखिए मेल जो है बर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह मेल और फीमेल यहाँ पर इस फिगर में दोनों दिखाए गए हैं, और जो इसका जो फीमेल होता है वो मेल की अपेक्षा बहुत कम अट्रैक्टिव होता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि नर जो है बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं और इनके पंख जो हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, जिनका उपयोग यह मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। और जनरली ये भी देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ऐसे मेल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जिनके पंख जो हैं ज़्यादा कलरफुल या रंगीन होते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा देखिए एग्जाम्पल है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेल है उसके जो विंग्स या फेदर्स हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, और एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर ही आप यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बर्ड मेल है या फीमेल है। देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेट साइज एंड ह्यूज कैनाइन टीथ ऑफ द मेल बेबून। नर बेबून का जो विशाल काय शरीर एवं बड़े रदनक दांतों की उपस्थिति। ये बेबून जो होते हैं इनको हम मैंड्रिल कहते हैं, मैंड्रिल के नाम से जानने जाते हैं ये बेबून, और यह जो है अफ्रीका के जंगलों में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इनमें भी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। देखिए नर मैंड्रिल के चेहरे एवं गुदा द्वार के आसपास का काफ़ी जो भाग होता है वो बहुत कलरफुल होता है, उसमें कई प्रकार के कलर्स की जो है स्ट्राइप्स पाई जाती हैं, लाइन्स पाई जाती हैं, जिस कारण मादा मैंड्रिल इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए ये मेल बेबून है, मेल मैंड्रिल है, इसका जो एनल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, और इसका आप फेसियल अगर आप इसका फेस को स्टडी करें तो देखेंगे कि इसका फेस भी बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। तो आप एक्सटर्नली अपीयरेंस के आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा बेबून इसमें मेल है और कौन सा फीमेल है। यहाँ देखिए जो मेल बेबून होते हैं उसमें कैनाइन जो चीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका जो फेसियल या जो फेस का जो जो नाक के आसपास या नॉस्ट्रल के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। तो इनमें भी जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है। देखिए ये मोर या पीकॉक के बारे में हम सभी जानते हैं, ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है और ये इंडिया का जो है राष्ट्रीय पक्षी भी है। 1963 में इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, और भारत के साथ साथ ये जो हमारा जो नेबरिंग कंट्री है बर्मा उसका भी ये नेशनल बर्ड है।
इसमें नर मोर जो है मादा की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर, आकर्षक एवं मोहक दिखाई देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मेल पीकॉक होते हैं वो ज़्यादा आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं और बहुत अच्छे मोहक रूप में दिखाई देते हैं। नर मोर के पंख जो है ज़्यादा बड़े एवं मोहक होते हैं, जिनको ये अपने प्रजनन काल के समय फैलाकर नृत्य करते हैं और मोरनी को मैथुन क्रिया के लिए आकर्षित भी करते हैं। तो देखिए यहाँ भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा पेकुलियर है। ये जो है मेल के जो विंग्स हैं, ये मेल जो हैं वो डांस करते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं काफ़ी अधिक विकसित होते हैं, जबकि देखिए फीमेल जो है इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर भी आप यहाँ बता सकते हैं कि जो मोर है, जिसको हम साइंटिफिकली पेवोक्रिस्टेसस के नाम से जानते हैं, कि वो मेल है या फीमेल है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है। अफ्रीकन लॉयन की हम बात करें तो देखिए जो मेल लॉयन होते हैं उनके चेहरे एवं गर्दन के आसपास काफ़ी घने एवं स्पष्ट बाल पाए जाते हैं, जिसे हम मेन MANE मेन के नाम से जानते हैं। जनरली इसको हम लोकल लैंग्वेज में शेर की दाढ़ी के नाम से भी जानते हैं। और शोधों के अनुसार ये स्पष्ट हुआ है कि मादा ऐसे नर की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं जिसमें मेन अत्यधिक स्पष्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो लॉइन है ये मेल है, क्योंकि इसके देखिए फेस या जो नेक है उसके आसपास काफ़ी अधिक घने जो है हेयर्स हैं, जबकि ये जो है फीमेल लॉइन है, इसके आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मेन जो है एब्सेंट है या कम विकसित होती है। पांचवा जो एग्जाम्पल है वो देखिए वो एक इनवर्टिब्रेट का है। यहाँ देखिए ऑरेंज ट्रिप बटरफ्लाई, इसको हम ऑरेंज ट्रिप बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। यह यूरोप एवं एशिया में पाई जाती है। इसमें देखिए नर तितली के जो पंख के अग्र भाग पर नारंगी रंग के स्पष्ट धब्बे पाए जाते हैं, आप देख रहे हैं कि ये देखिए नारंगी रंग के स्पॉट हैं। और ये जो है मेल जो बटरफ्लाई होती है उसके फोर विंग के जो टिप जो होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं, नारंगी रंग के हो जाते हैं, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यह जो है जो ऑर्गेनिज्म है ये मेल है और देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फीमेल है। इसके जो अग्र भाग पर फोर विंग के जो है नारंगी रंग के जो है टिप्स जो है नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म काफ़ी अधिक विकसित होती है। एलिफेंट सील्स की अगर हम बात करें, देखिए वयस्क नर या जो एलिफेंट सील हैं उनका जो भार है या वेट है वो वयस्क मादा से लगभग 10 गुना तक होता है। जो मेल एलिफेंट सील होते हैं उनका जो वेट है वो मादा से लगभग 10 गुना तक ज़्यादा होता है। विशालकाय नर जो कि केवल 2-3% तक होते हैं प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। केवल 2-3% ही जो विशालकाय नर होते हैं वो प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं, और इनका आकार एवं ट्रंक की उपस्थिति के कारण इन्हें एलिफेंट सील कहा जाता है। इनका एक तो आकार बहुत बड़ा होता है और इनमें ट्रंक भी पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें एलिफेंट सील के नाम से भी जाना जाता है। नर अपने ट्रंक में हवा भरकर छोड़ते हैं। ये जो जो मेल एलिफेंट सील होते हैं वो अपने ट्रंक में बहुत होते हैं, जिसके काफ़ी तेज आवाज़ उत्पन्न होती है, और जितनी अधिक आवाज़ उत्पन्न होगी वह नर उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। तो यहाँ भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत अधिक क्लियर है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप एलिफेंट सील का फिगर देखेंगे। देखिए ये जो है मेल एलिफेंट सील है जिसका साइज भी बहुत ज़्यादा है और उसमें ट्रंक बहुत अधिक विकसित होती है। ये जो है फीमेल सील है जिसका साइज थोड़ा सा इससे छोटा होता है और इसमें ट्रंक का भी अभाव होता है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, अगर हम बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कई प्रकार के एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कॉकरोच की। कॉकरोच जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा संघ का मेंबर है। इसमें देखिए नर व मादा कॉकरोच के 10वें खंड में एक जोड़ी एनल सरसाई पाए जाते हैं। देखिए जो एनल सरसाई हैं, ये देखिए ये जो करेक्टर है एनल सर्कस, ये मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कॉकरोच में पाया जाता है। ऊपर वाला जो फिगर है वो मेल का है और नीचे वाला जो फिगर है वो फीमेल का है। ये फीमेल कॉकरोच के जो पोस्टीरियर पार्ट्स हैं उसको हमने यहाँ फिगर में शो किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त देखिए नर में एक जोड़ी एनल स्टाइल 9वें खंड के अधर भाग में स्थित होते हैं। ये देखिए ये जो एनल स्टाइल हैं ये केवल नर कॉकरोच में, जो मेल कॉकरोच
होता है उसके नवे सेगमेंट वेंट्रल साइड, नवे सेगमेंट के वेंट्रल पोर्शन में या वेंट्रल या अधर तल में यह एनल स्टाइल पाए जाते हैं, जबकि फीमेल के केस में हम बात करें तो ये एनल स्टाइल जो है अब्सेंट होते हैं। तो कॉकरोच को भी हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इस प्रकार से इसमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा जो है स्पष्ट होती है। ठीक है, हम बात करेंगे दूसरे इनवर्टिब्रेट की जिसको हम एस्केरिस कहते हैं। देखिए ये एस्केरिस का जो है फिगर बना हुआ है, ये मेल एस्केरिस है और ये जो है फीमेल एस्केरिस है। तो मेल और फीमेल एस्केरिस में भी काफ़ी अधिक जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, और इसको भी हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर मेल और फीमेल में इजीली जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। देखिए नर एस्केरिस जो है वो मादा की अपेक्षा लंबाई में छोटे एवं पतले होते हैं। ये देखिए नर एस्केरिस जो है वो मादा की अपेक्षा साइज में छोटा है और ये पतला भी होता है। नर की लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, जबकि देखिए मादा की जो लंबाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है और 20 से 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि इसकी मोटाई भी जो नर की अपेक्षा 3 से 6 सेंटीमीटर होती है। देखिए नर का जो पश्च सिरा है वो देखिए यहाँ पर कॉइल्ड है या कर्व्ड है, या हम इसको कह सकते हैं मुड़ा हुआ है, है ना। और इसमें गुदा के पास दो पीनियल सीटी भी पाए जाते हैं। देखिए ये जो दो हैं ये पीनियल सीटी हैं, ये जो है केवल मेल का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है, जबकि जो फीमेल का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्ट्रेट होता है और इसमें पीनियल सीटी जो है नहीं पाई जाती हैं। मादा एस्केरिस के अग्र सिरे से एक तिहाई लंबाई के पश्चात जो है मादा जनन छिद्र पाया जाता है। देखिए ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर है जो कि केवल फीमेल में ही पाया जाता है, जबकि मेल में ये अपर्चर जो है वो अब्सेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एनिमल्स और हैं जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो एनिमल प्रदर्शित करते हैं उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। निश्चित ही ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा टॉपिक, और बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकल या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। निश्चित ही आप इससे लाभान्वित होंगे, और अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।